House Bill Initiative on Regime is Bill Rahman Rahim. Dear students and dear fellows, Unique College Loyal Campus के platform से Professor Ahmed Raza आपकी खिदमत में हाजिर है. I hope so कि आप सारे ठीक होंगे और अल्लाह ताला के खास करम से घरों में खैरियत से होंगे. लॉकडाउन की पोजीशन को सामने रखते हुए यूनिक कॉलेज लॉयल कैंपस ने कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स का इंतजाम किया है. तो इसी सिलसिला में आज बिजनेस मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज 3.3 को डिस्कस कर रहे हैं. इससे पहले एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 के अंदर हम लोगों ने लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ा. आज हम डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा नॉर्म्स इक्वेशन के बारे में और दूसरा इसके साथ हमारी डिस्कशन है दैट इज बिलोंग्स टू एक्सपोनेंट इक्वेशन. तो सबसे पहले हम इस जो इनकी डेफिनेशन से हमको डिस्कस कर रहे हैं वो कहता है एक्स्ट्रा नॉर्म्स इक्वेशन क्या होती है. कहता है एन इक्वेशन इन व्हिच रूट्स ऑफ द इक्वेशन डस नॉट सेटिस्फाई द रूट्स ऑफ ओरिजिनल इक्वेशन इज कॉल्ड एक्स्ट्रा नॉर्म्स इक्वेशन. यानी आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व करें और आपका आंसर के जो रूट्स हैं आपके ओरिजिनल फॉर्म के जो रूट्स हैं अगर वो आपस में मैच नहीं करते एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर पाते दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा नॉर्म्स इक्वेशन. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सम टाइम आंसर आता है एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3. अब यहां पे आप देख सकते हैं कि माइनस 3 का आप स्क्वायर रूट नहीं ले सकते. ठीक है, तो आपके पास जो आंसर्स आएंगे उनका सॉल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं है. या कहीं पे आप लोगों के पास आंसर आया था 2/0 तो ये भी अगर देखा जाए तो ये भी सॉल्व नहीं हो सकता. कुछ आंसर्स होते हैं जिनको हम मजीद सिंपलीफाई नहीं कर सकते. तो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो जाता है दीज आर कॉल्ड एक्स्ट्रा नॉर्म्स इक्वेशन. इसके बाद सेकेंड इक्वेशन है सेकेंड टर्म कहता है एक्सपोनेंट इक्वेशन. अलजेब्रा के अंदर एक्सपोनेंट मोस्ट प्रोबेबली पावर से डिनोट किया जाता है. तो कहते हैं एन इक्वेशन इन व्हिच द रिक्वायर्ड वेरिएबल्स. अब रिक्वायर्ड वेरिएबल्स कौन से हैं? ये सारे के सारे एक्स हैं, वाई है, जी है, ए है, इस जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे. तो कहते हैं एन इक्वेशन इन व्हिच द रिक्वायर्ड वेरिएबल्स अराइजेस एज अ एक्सपोनेंट किस फॉर्म में होंगे? एक्सपोनेंट की फॉर्म में होंगे, पावर्स की फॉर्म में होंगे. That is called exponent equation. जैसे for example 3^2x और 3^x ये दोनों किस फॉर्म में है? एक्सपोनेंट फॉर्म में है, पावर की फॉर्म में है. तो ऐसी इक्वेशन को हम कहेंगे these are called exponent equation. तो जी मेरे बेटा आज हम सेक्शन 2 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट में आपके साथ अटेम्प्ट करूंगा. अब इसको किस तरह करते हैं देखिए, जब इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आ जाएंगे इसके अंदर जो मेन फिनोमेना ये है कि आपने सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आप कन्वर्ट कर ले तो फिर आपने ये देखना है कि क्या इसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से अप्लाई करें, फ्लैक्चुराइजेशन मेथड अप्लाई करें या आप कंप्लीट स्क्वायर मेथड करें. तो मोस्ट प्रोबेबली जो स्टूडेंट्स एग्जाम्स के अंदर मैंने देखा है वो दो मेथड अप्लाई करते हैं, या तो फैक्टराइजेशन, अगर फैक्टराइजेशन पे वो कमांड नहीं है फैक्टर बनने नहीं या फैक्टर बन नहीं रहे किसी वजह से, क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा नॉर्म्स इक्वेशन की तो इस पे फैक्टर्स बनाना मुश्किल हो जाता है. तो हम क्या करते हैं इसके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस पे. सबसे पहला काम जो आपने करना है कि इस पे आपने एलसीएम अप्लाई करना है. तो x+1 · x+2 = 4/x+4 मैंने आपको पहले भी एलसीएम मेथड सिखाया था कि इसको कैसे मैनेज करते हैं. देखिए x+1 से कैंसिल हो गया, बाकी मेरे पास क्या बचा x+2. तो जब आप 1 को x+2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x+2 से मेरा बेटा कैंसिल हो गया तो बाकी बचा x+1. अब 2 को मल्टीप्लाई करते हैं x+1 से. अब ऐसा करते हैं कि इनको आपस में हम ऐड अप करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे आएगा x+2 और 2 को x+1 से मल्टीप्लाई करें 2x+2 और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो मल्टीप्लाई के रूल्स आप सब बच्चों को आते हैं लेकिन अगर किसी को नहीं आते तो मैं समझा देता हूं. x को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, फिर 1 को x से करेंगे तो बेटा क्या आएगा 1x और 2 बन दा 2 और इज इक्वल टू 4/x+4 आ जाएगा. अब ये बड़ी आसान सी टर्म है,
अब हम ऐसा करते हैं कि न्यूमिनेटर के अंदर जो वेरिएबल टर्म के साथ उनको ऐड करें, x plus 2x is equal to 3x और 2 plus 2 is equal to 4, इसी तरह नीचे आएगा x square plus 3x plus 2 is equal to 4 over x plus 4। अब जहां पर देखें, एक दो तीन, तीन फ्रैक्शन थी, लेकिन यहां पे जब मैंने इसको कंसाइज फॉर्म में लिया तो मेरे पास दो फ्रैक्शन आ गई। जब दो फ्रैक्शन आती है तो उसको सॉल्व करने के लिए मेरा बेटा हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 4 को मल्टीप्लाई करूंगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और मेरा बेटा 3x प्लस 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 4 के साथ। तो आप देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है, 4x स्क्वायर 4 3 द 12x 4 2 द 8 और इसी तरह इनको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 3x से x से करें तो क्या आएगा 3x स्क्वायर, 3x को 4 से करें बेटा आएगा 12x, 4 को x से करें बेटा 4x और 4 4 द 16। अब एक तरीका तो ये है कि पहले इन्हें सिंपलीफाई करें फिर सारों को एक साइड पे लें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिंपलीफाई करने से पहले 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 यहां पे आएगा 3x स्क्वायर, 12x और 4x is equal to 16x और plus 16। अब एक काम करें, आप सारी टर्म्स को एक साइड पे लेंगे और फिर आप देखेंगे कि इसको हम किस तरह सॉल्व करें। जैसे फॉर एग्जांपल लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास डेटा दिया हुआ है 4x square plus 12x plus 8, ठीक है। अब ये तीनों वैल्यू इस टर्म में आएंगी तो बेटा इसके लिए सिंपलीफाई करने का आसान तरीका कि जब आप इनको सॉल्व करते हैं, जब इनकी पोजीशन चेंज करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस वाला था किस में रहेगा माइनस, 16x प्लस था क्या हो गया माइनस, 16 प्लस था क्या होगा माइनस, तो ये मेरे पास इस तरह बनेगा माइनस 3x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 16 इज इक्वल टू। अब नेक्स्ट टर्म क्या होता है, हमेशा याद रखिए 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करें, x में से x को सॉल्व करें और कांस्टेंट टर्म के साथ कांस्टेंट टर्म। तो मैं इसको थोड़ा सा एडिशनल लिखता हूं, 4x स्क्वायर में से बेटा जब 3x स्क्वायर माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा कि x स्क्वायर 1। फिर उसके बाद अगर आप 12x में से 16x को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है कि माइनस 4x। इसी तरह 8 में से आप 16 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे जो आप लोगों ने वर्किंग करनी वो ये कि आप लोगों ने इसको सिंपलीफाई करना है, आप लोगों ने इसको देखना है कि हम इसको इसकी पेयरिंग करनी है या इसको हम किस तरह सॉल्व करें, ये आप इट्स अप टू यू। तो यहां बेटा दो मेथड है, यहां तो आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है तो आप क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मेरे पास था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। जी मेरे बेटा, तो जी मेरे बेटा अब हम बिजनेस मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.3 जो चल रही है और क्वेश्चन का थर्ड पार्ट में आपके साथ अटेम्प्ट करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें लिखा हुआ है x plus 1 over x is equal 4, इसमें आप देखिए आपका डिनोमिनेटर x है, यानी ऐसे क्वेश्चन जिसमें डिनोमिनेटर आ जाता है इसको सॉल्व करने का तरीका वो ही होता है कि जो डिनोमिनेटर है इसको खत्म करने के लिए सारों के साथ मल्टीप्लाई करें। जैसे फॉर एग्जांपल ये x दिया हुआ है, आप यहां पे लिखेंगे बाय मल्टीप्लाइंग विद x टू होल इक्वेशन, तो आएगा x into x plus x into 1 over x is equal to 4 into x, यानी x को खत्म करने के लिए मैंने सारे एक्सप्रेशन को सारे इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप देखिए x को x से मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर, ये वाला x इस x से कैंसिल हो गया तो बेटा मेरा क्या आ गया 1 is equal to 4 को x से करें तो 4x, तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर minus 4x plus 1 is equal to 0। अब आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म डेवलप हो गई। अब आपका दो ऑप्शन है, क्या पेयरिंग होती है तो हम देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई करने से 1 आए प्लस माइनस करने से माइनस 4, तो इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, उसके लिए आप क्वाड्रेटिक फार्मूले की तरफ जाएंगे। तो जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला था मेरा बेटा x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac over 2a। आपने क्या करना है कि इसमें a b c की तीनों वैल्यू देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल x के साथ जो लिखा होता है वो a, a is equal to 1, x के साथ जो लिखा होता है that is equal to minus 4 और इसी तरह कांस्टेंट टर्म होती है that is c c is equal to इसके हो गया 1। अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दें तो
x is equal to किसके हो गया minus b, minus की जगह minus ये मतलब b की जगह मेरा बेटा minus 4 ये मतलब हो गया under root b का square, यानी b की value आ गई minus 4 का whole square minus 4 into 1 divided by 2 into 1, यानी कि मैंने सारे values इसके अंदर put up कर दिए। अब जब आप solve करते हैं minus minus बेटा plus 4 plus minus minus 4 का square, याद रखें माइनस का स्केयर भी प्लस में आएगा और प्लस का स्केयर भी प्लस फॉर्म में आएगा, तो 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। मुझे सॉल्व करते हैं तो मेरा बेटा याद रहा है 4 प्लस माइनस 16 में से 4 माइनस करें 12 ओवर 2। अब कुछ बच्चे आगे मुझे सॉल्व नहीं करते लेकिन हमने इसे आगे मुझे सॉल्व करना है, तो उसका आसान तरीका ये होता है कि आप 12 का क्या ले लें एलसीएम, जब 12 का एलसीएम लेते हैं 2 6 से 12 2 3 द 6 और 3 1 द 3, ये पेयर फॉर्म में आता है। तो जब आप पेयर फॉर्म में लेते हैं तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं कैंसिल, तो ये मेरे पास बेटा आ रहा है 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 ओवर 2। मजीद सॉल्व करें 4 ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल 2 बाहर चला गया बाकी अंडर रूट 3 ओवर 2। अब यहां पे 4 है यहां पे 2 है और डिनोमिनेटर में भी 2 है, तो बेटा जब ऊपर आप देखें 4 और 2 में से अगर कोई चीज कॉमन फाइंड करते हैं दैट इज इक्वल टू आप 2 कॉमन ले लें बाकी क्या रहेगा 2 टू द 4 प्लस माइनस 2 2 से कैंसिल अंडर रूट 3 ओवर क्या आएगा 2, ये मेरा बेटा 2 2 से क्या हो गया कैंसिल। फाइनल जो आपके पास आंसर आ रहा है तो हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो आप देख सकते हैं कि मैंने क्वेश्चंस के टर्म पहले कन्वर्ट किया उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया और कोशिश करें कि मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करें सिंपलीफाई करें ताकि जब आप एग्जामिनर आपको जो मार्क्स दे तो उसमें किसी किस्म की डिडक्शन नहीं होनी चाहिए। तो जी गाइस इससे पहले आप लोगों ने जो दो क्वेश्चंस डिस्कस किए वो सारे के सारे क्वेश्चंस बेसिकली आपके बुक में एक्स्ट्रा लॉस के पीरियड से रेलेवेंट थे, आपने जो आपको सजेस्ट करने लगा दी दैट इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट। अच्छा बेटा एक कुछ चीजें हैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं, ये कि जब आप ने एक चीज सीख ली थी तो मल्टीप्लाई में पावर्स को ऐड करते हैं, अगर बेस इज बेस सेम इफ बेस इज सेम एंड दे आर मल्टीप्लाई टू ईच अदर वी आर एडिंग देयर पावर्स, हम उनकी पावर्स को ऐड करते हैं, जैसे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर x। अब देखिए दोनों की बेस क्या है सेम, इसका मतलब है इनकी पावर्स को हम क्या करेंगे ऐड, तो ये 2 की पावर क्या आएगी 3 प्लस x। इसी तरह एक और एग्जांपल शो करके 2 की पावर a मल्टीप्लाई 2 की पावर b तो आप क्या लिखेंगे 2 की पावर a प्लस b। सो फार्मूला क्रिएट हुआ इफ बेस इज सेम एंड दे आर मल्टीप्लाई टू ईच अदर वी आर एडिंग देयर पावर्स, लेकिन इसी तरह if they are divide to each other, अगर divide होंगे तो we are subtract their powers। अब यहाँ पे मैंने कहा 2 की power 3 plus x, अब question में क्यों ऐसा समझा हूँ उसकी reason ये है इस question में आ रहे हैं, इस question के अंदर आपकी power दो हिस्सों में है आपने उसे लेदर लेदर parts में convert कर दिया, जैसे यानी इस form को मैंने इस form में convert किया, आपको question कह रहा है कि इस form को इस form में convert करें, तो जब आप इसे करेंगे तो आएगा 3 की पावर x डॉट 3 की पावर 2, आप देखिए बेस सेम दे आर मल्टीप्लाई टू ईच अदर तो 3 पावर x प्लस 2 आ जाएगा, इसी तरह 3 की पावर x है नीचे ले जाएंगे तो 3 की पावर मेरा बेटा पॉजिटिव x आ गया एज इट इज 6 तो ऐसे लिखते हैं। अब यहां पे जो चीज करने वाली है वो ये कि आपके पास 3 की पावर x लिखा हुआ है आप यहां पे सपोज करें कि लेट 3 की पावर x इज इक्वल टू y, यानी y भी कह सकते हैं a कर सकते हैं b कर सकते हैं कुछ भी कह सकते हैं, तो मैंने लिखा 3 की पावर x दैट इज इक्वल टू y, यानी जहां जहां x है 3 की पावर x है वहां y लिख दें, तो उस सूरत में मेरे पास तो आया यानी इसको हम फिर क्या लिखेंगे y 3 की पावर बेटा किसके बराबर है 9 प्लस 1 ओवर y इज इक्वल टू 6, यानी जहां जहां y है यहां जहां 3 की पावर x है वहां y बना दें। तो जब इसे सॉल्व करते हैं और कोई क्वेश्चन आगे जैसे x plus 1 over x is equal 4 था तो ये बेटा आएगा 9y खत्म करने के लिए y से मल्टीप्लाई 1 over y खत्म करने के लिए y से मल्टीप्लाई एंड 6 into y, तो आपका आंसर बेटा जो आएगा हमारे पास
क्या अगर 9y को y से करें तो आएगा 9y स्क्वायर, y y से करें बेटा कैंसिल हो गया 6y प्लस और फिर माइनस इज इक्वल टू 0। आपका जो शेप बन रही है 9y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं कि यहां तक जो हम लोगों ने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया तो उसमें मेन चीज हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो तीन मेथड है, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं या आप इसकी पेयरिंग कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए 9 को 1 से मल्टीप्लाई करें 9, यानी मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 9 चाहिए और प्लस माइनस करने के बाद -6। तो आप यहां पे ये दो पेयर्स बनेंगे 9y स्क्वायर -3y -3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, -3 -3 इज इक्वल टू -9 और इसी प्लस 9 -3 और -3 को ऐड अप करेंगे तो आंसर बेटा किसके बराबर आएगा, हमारे पास -6y के बराबर होगा। तो मेरे पास फाइनल फैक्टराइजेशन इन दोनों में से आप करेंगे तो आएगा 3y कॉमन आ गया, तो आएगा 3y -1 -1 कॉमन ले लेते 3y -1 0। अब फुल आंसर आएगा 3y -1 और 3y -1 0। अब बोथ आर इक्वल टू 0, जब दोनों 0 के बराबर रखेंगे तो मेरा बेटा आपका आंसर आएगा 3y -1 0 -1 जाके +1 y = 1 3। सेम आंसर इसी का भी आप इसी तरह अप्रोच करेंगे। लेकिन देखिए आपका क्वेश्चन किस शेप में था, x वेरिएबल टर्म में था, आपका आंसर किस शेप में है, y टर्म के अंदर है। लेकिन हमने यहां पे एक चीज सपोज की थी, वो सपोज ये था कि 3 की पावर x इज इक्वल टू y और यहां पे y का आंसर दे दिया, तो हम लिखेंगे 3 की पावर x इज इक्वल टू y की जगह बेटा लिखते 1/3। अब क्वेश्चन ये हो रहेगा हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। अब यहां पे देखिए 3 की पावर 1 है, इसे ऊपर ले लीजिए, तो जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो 3 की पावर x इज इक्वल 3 की पावर माइनस 1 आ जाएगा ना। तो मेरा बेटा देखिए बेस आर इक्वल, बेस आर सेम, बेस सेम है तो इनके जो एक्सपोनेंट है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो हमारे पास x इज इक्वल टू किसके आएगा 1 और यही आपका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक छोटा सा क्वेश्चन था जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया। तो बात वही है कि सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना के इसे आप सॉल्व कर लें और एंड पे जिस वेरिएबल को यूज करेंगे उसी वेरिएबल का आपने आंसर भी आपको देना है। तो जी बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हमने थोड़ी देर पहले अटेम्प्ट किया। फर्क क्या है कि इसमें हमारे पास पावर्स दो टर्म है, मैं इसको इस तरह एलैबोरेट करूंगा क्योंकि पिछले क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज थी जिसमें आपने 9y बनाया, इसको हम इस तरह बनाएंगे। हम देख रहे हैं सबसे पहले जो आपने ये करना है कि इसको तोड़ना है, ब्रेकअप करें तो आएगा 5 की पावर 1 डॉट 5 की पावर x, यहां आएगा 5 की पावर n 1 डॉट 5 की पावर -x इज इक्वल टू 10। यानी आपने इस पे सा देखिए मल्टीप्लाई हो रहे थे, बेस सेम है तो 5 की पावर 1 प्लस x आ गया, तो मैंने इसको ब्रेकअप कर दिया, यानी 5 की पावर 1 इज इक्वल टू किसके बेटी 5, ओके 5 की पावर x किसके बराबर है, 5 पावर x, 5 पावर 1 की वैसे आ गया, इसको नीचे ले जाएं तो आएगा 5 पावर x इज इक्वल टू 10। यानी सेम वही क्वेश्चन आपके सामने दोबारा आ गया, लेकिन आपने सपोज करना है यहां पे लेट 5 की पावर x यहां पे y के बराबर है। अब आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि इस 5 को वैसे लिख दें 5 की पावर x दैट इज इक्वल टू y, 5y आ गया 5 और यहां पे आएगा 1 ओवर y इज इक्वल टू 10। अब फिर दोबारा उसी y को खत्म करने के लिए हम सब y से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा बेटा ये आएगा 5y इनटू y, ये बेसिकली आ रहा है 5 ओवर y इनटू y और यहां पे आएगा 10 इनटू y, तो ये y y से मेरा बेटा कैंसिल हो गया। हमारे पास जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट मान लिया हुआ है 5 y स्क्वायर प्लस 10 y का क्या आ जाएगा -10 y और प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 5 कॉमन ले लें यहां आएगा y स्क्वायर -2 y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बाकी क्वेश्चन आपके सामने है, सेम वही पैटर्न आप अप्लाई करेंगे, क्या आएगा y स्क्वायर माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी मल्टीप्लाई करो तो आपको बेटा प्लस 1 चाहिए, माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस 1, गुड माइनस 1 को ऐड अप करेंगे तो माइनस 2 आ गया, y मेरा बेटा कॉमन ले ले तो आएगा y माइनस 1 कॉमन तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो फाइनल आंसर y माइनस 1 डॉट y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा तो y किसके बराबर होगा 1, सेम पैटर्न यहां पे अप्लाई करें। अब
वही सारी बातें कि क्वेश्चन में एक्स था, आंसर में वाई है, हाउ कैन पॉसिबल, उसके लिए आपने जो सपोज किया हुआ है उसी ले ले। तो यहाँ पे आप लिखे 5 की पावर x इज इक्वल टू y और y की वैल्यू 1 पुट कर दी। और हमने सॉल्व करने के लिए याद रखें किसी भी चीज की पावर 0 दैट इज इक्वल टू किसके होता है 1, हम यहाँ पे लिखेंगे 5 पर 0, सो बेस बराबर, सो x का आंसर भी 0। तो यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि ये सॉल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 0 है। तो सो आई होप सो मेरा बेटा ये आपके क्वेश्चन समझे। आखिरी छोटी सी बात आपसे करता चला जाऊं, क्वेश्चन नंबर 8 आप 8 को देखते हैं ना, तो वो भी कुछ ऐसी ही वर्किंग उसने की हुई है, बस उसने आपको मैं समझाना चाह रहा था। तो आपने मेरे बेटा इस क्वेश्चन को किस तरह देखना है वो मैं बता देता हूं। ये लिखा हुआ है 2 की पावर x डिवाइडेड साइन दिया हुआ है, इट्स लिटिल बिट कंफ्यूज वर्ड हियर, पर साथ लिखा हुआ है 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 8। ठीक है मेरे बेटा, आपने ये क्वेश्चन उसे दिया हुआ है बुक के अंदर, टेन 2 की पावर x डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 8। अब बस ये याद रखते हैं कि हमें दे आर डिवाइडिंग फंक्शंस, ठीक है, तो डिवीजन में पावर्स को माइनस करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर x माइनस 2x इज इक्वल टू 8, तो 2 की पावर मेरे बेटा माइनस x इज इक्वल टू 8। अब आप सोच रहे होंगे कि पिछले क्वेश्चंस में सर ने इन क्वेश्चंस को इस तरह अटेम्प्ट किया था और यहाँ इनकी क्या लॉजिक्स हो सकती है। तो बड़ा आसान सा वे है कि आप देखें यहाँ 2 है ये 8 है, अगर 8 को हम देखें तो बेटा वो बनता है 2 की पावर 3, यानी कि 2 की पावर 3 यहाँ बेटा आ गया 2 की पावर माइनस एक्स, ओके हो गया ना, यानी 8 को हम 3 टाइम 2 डॉट 2 डॉट 2 2 टू द 4 4 टू द 8, अब बेस बराबर होगी तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, और फुल आंसर में अगर देखें तो x इज इक्वल बेटा माइनस 3, लाइक ये मेरा क्या आ गया सॉल्यूशन सेट बन गया। तो सो आज की बड़ी डिस्कशन के अंदर हमने जो चीज सीखी वो था एक्सोनॉमिक इक्वेशंस क्या होती हैं, एक्सपोनेंट इक्वेशन क्या होती हैं, रेडिकल इक्वेशंस की टर्म्स क्या होती हैं, ये सारी चीजें हमने एक्सपेंड की हैं, डिस्कस की हैं। आई होप सो कि आपने इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से समझा। फिर भी अगर क्वेरी हो कोशिश करें कि वीडियोस को बार बार पॉज करके सारे क्वेश्चंस को समझें, अगर फिर भी क्वेरी हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला कल के लेक्चर्स के अंदर हम इन्हीं क्वेश्चंस की तरह के जो स्टेटमेंट पार्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह कल दोबारा मिलेंगे।